हेलो रिगर सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अपनी जॉब के बारे में बताने वाला हूं। श्योर है कि अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, आधा अधूरा नहीं देखते, तो आपको जॉब मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जॉब आज की वीडियो मिलने वाला है, आपको भटकना नहीं है। जो भाई बेचारे अपने गाँव से आ चुके हैं और भटक रहे हैं, वहाँ उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में मैं उनको जॉब दिलाने का काम करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। जितना हो सकता है मैं उनको सच और रियल दिखाने की कोशिश करता हूँ, अन्यथा इसके सिवा मैं कुछ नहीं दिखाता। जो भी मेरे चैनल पे दिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्योर 101% एकदम प्योर शुद्ध होता है और सच होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है और यहाँ पे बड़े ही तगड़ी तरीके से हायरिंग चली है। यहाँ पे मेरे पास JD आ गया था और ये जो लोकेशन होने वाला, पहले मैं कंपनी का नाम बताता हूँ आप सभी को, बता दें DVG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 8, प्लॉट नंबर 2, बवल बानीपुर चौक, रेवाड़ी, हरियाणा में भर्ती है। 12 घंटे ड्यूटी का जो सैलरी है वो 19,500 है, इन हैंड आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको जितेंद्र सिंघानिया मिलेंगे, जितेंद्र सिंघानिया का जो नंबर है मैं वीडियो के स्क्रीन पे अगर दूंगा तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। नोट, जो चीज़ें नोट है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको हरियाणा नॉट अलाउड, राजस्थान से कम 150 किलोमीटर दूर के जो बंदे आएंगे उनको ही जॉब दिया जाएगा, जिनसे पहले DVG में काम किया है, जिसने पहले DVG में काम किया है वो भी आ सकते हैं, है ना। जो DVG में काम कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। 8 बजे गेट पर पहुंच जाए, ठीक है। गेट पर पहुंचने के बाद वो जितेंद्र जी को कॉल करें, वो उनको जॉब दे देंगे, पहुंचने के बाद उनकी इंटरव्यू वो करा दें। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें 10+ ITI या फिर 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। सुविधा क्या है इसमें, 12 घंटे खड़े होकर काम करना है, यह मोबाइल बनती है, AC प्लांट है, इसमें बस और कैंटीन की सुविधा बिल्कुल फ्री है, बस और कैंटीन बिल्कुल फ्री है, बस सिर्फ बवल और रेवाड़ी जाती है। उसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए, और जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका हो गया, आपका बैंक का पासबुक हो गया, सारे डॉक्यूमेंट जो पर्सनल आपके हैं, साथ ही साथ आपको 5 फोटो भी साथ में लेकर आनी है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सुबह आपको गेट पे जो पहुंचना है वो सुबह आपको 7-7:30 तक आपको गेट पे पहुंच जाना है, ठीक है। DVG टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, सैलरी 19,500 है, AC प्लांट है, 12 घंटे आपको काम करना है, 26 दिन संडे ऑफ रहेगा। अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, अगर अलग से जो संडे लगता है तो उसका अलग से पैसा भी आपको दिया जाता है, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। और जिसने पहले DVG में काम किया है वो भी आ सकता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, DVG टेक्नोलॉजी जो कंपनी है ना भाई, इसमें इस समय कंटिन्यू हायरिंग चल रही है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो है, क्या नाम है उनका, शक्ति जी भी काफ़ी कैंडिडेट को हायर किए, काफ़ी कैंडिडेट को रोज़गार दिया, रोज़गार देने का उन्होंने काम किया। और यहाँ पे भी देखिए, विकास विपुल गुप्ता जी मिलेंगे आपको, और मिलेंगे आपको जितेंद्र जी, दोनों जन का जो नंबर है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ऑप्शन ये है आपका कि यहाँ पे शक्ति जी का भी मैं नंबर दूंगा, शक्ति जी भी यहीं करवाते हैं। पहले इनका मैं देख लूँ किस कंपनी से है, ये सिद्धार्थ जॉब है इनका, ठीक है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आपको पैसे नहीं देनी है। अगर आपको पैसे देनी है भाई साहब, तो अभी से मेरी वीडियो को मत देखो, क्योंकि पैसे देने वाला मैं जॉब लेकर आता ही नहीं। जितना भी होता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो बेचारे बाहर से आए हैं खुद ही उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे कहाँ से देंगे, सोचो बस जरा। तो पैसे आपको कहीं नहीं देनी, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसे की लेन देन आपको नहीं करनी है। ये 12 घंटे आपको काम करने के बाद जो इनहैंड सैलरी आपको मिलेगा 19,500 रुपये मिलेगी, ये अच्छा लगा। लेकिन 12 घंटे काम जो है वो स्टैंडिंग वर्क है यार, स्टैंडिंग वर्क में भाई साहब जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो तो नहीं कर पाएगा यार, सच बता रहा हूँ। फ्रेशर कैंडिडेट बहुत कम कर पाते हैं बेचारे यार, पढ़ के निकलते हैं उसके बाद अचानक से उनको 12-12 घंटा काम करने को दे दिया जाता है, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस की नहीं हो पाती ना दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम करना नहीं चाहते, बट उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है किस लिए यार, अगर वो स्टैंड पर खड़े होकर वर्क करेंगे तो उनकी इमेज कहाँ जाएगी। देखो यहाँ पर जो 10th 12th वाले हमारे, वो जाना बहुत सही उनके लिए, 10th 12th है तो आराम से वो कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 10th 12th वाले जो होते हैं बेचारे, उनको देखो प्रोफेशनल या ऑफिशियल जॉब नहीं मिल पाता। 10th 12th की आज के डेट में क्या कीमत है, आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई की कितनी कीमत है, लेकिन अगर आपने 10th और 12th रखकर रखा है तो क्या कीमत होगी, आपको भी पता है। तो ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर मैं क्या करूँ भाई,
मुझे तो बस जॉब के लिए वीडियो बनानी ही बनानी है। जो भी हमारे भाई इस समय मौजूद हैं हरियाणा साइड में और उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया, जितेंद्र जी से आप संपर्क कर लेना, ये आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है, वैसे मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। मैं आपको बता दूं, DBG टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 8, प्लॉट नंबर 2, बवल बानीपुर चौक रेवारी हरियाणा, ठीक है, ये प्रॉपर एड्रेस है। और मैं उनका नंबर भी दे दूंगा, तो उनसे कॉन्टैक्ट आप कर लेना, उनसे कह देना कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, इस टाइप की क्या हायरिंग चल रही है क्या आपके पास। अगर वो कहेंगे कि हाँ चल रही, तो आप आराम से चले जाना, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे 8 घंटे का नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे 12 घंटे का है, लेकिन 19,500 पे आपको सैलरी मिलेगा, इन हैंड मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें फ्री है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कैंटीन भी फ्री है और बस भी फ्री है, ठीक है। कैंटीन का कोई पैसा नहीं लगता, बस का भी कोई पैसा नहीं लगता। अगर आसपास के जो कैंडिडेट हैं उस कंपनी में काम करते हैं, तो बस जाती है, कंपनी से उनको लेती है, उसके बाद घर छोड़ती है, फिर घर से लेती है, उनको कंपनी छोड़ती है, जैसे कि ओप्पो और वीवो में होती है। भाई साहब ओप्पो और वीवो भी यही फैसिलिटी है, जहाँ पे आप खड़े रहो, आप जैसे अपने रूम से आप निकले, स्टैंड पे आ जाओ, उस रूट पे जो बसें चल रही है ना, वो आपको उठाते हुए लेके जाएगी, आपको फिर कंपनी पहुँचाएगी, फिर जिस भी टाइम आपकी छुट्टी होगी आपको फिर रूम पर पहुँचाएगी। ये काफ़ी अच्छी और लग्जरी बस होती है भाई, ओप्पो वीवो की बस में तो भाई साहब फुल एसी वाली बस होती है। खैर ये तो बात की बात, अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हायरिंग चल रही है वो DBG की टेक्नोलॉजी चल रही है। यहाँ पे जितेंद्र जी का नंबर भी मैंने दे दिया और विपुल जी का भी नंबर दे दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं आपको शक्ति जी का भी नंबर दे दूंगा, जो क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही हैं। देखिए कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने से पीछे हटते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो नोएडा में जो कंपनियां हैं तकरीबन 80% कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होता है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि 2-4 महीने 6 महीने 1 साल काम करने के बाद उनका व्यवहार देख के, उनका रवैया देख के उनको ऑन रोल कर देती है कंपनी की तरफ से। लेकिन अब जो है 80% कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही कर रही, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी नहीं फंसती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सैलरी नहीं फंसती, बशर्ते आप जो है उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। अगर आप कंपनी छोड़कर जाते भी हैं, कभी आपको नहीं काम करना होता है, तो आप क्या करना, पहले उनको एक रिजाइन दे देना कुछ दिन पहले कि सर हमारे यहाँ ऐसी सी बात हो गई, हम नहीं कर पाएंगे। अब बिना बताए आप चले जाओगे तो क्या होता है, वो जो सैलरी होती है 2 दिन का 4 दिन का 10 दिन वो होल्ड हो जाता है। फिर जब आप आते हो, रिजाइन लिख के देते हो, तब वो आपके अकाउंट में जो है कि आती है सैलरी। ये चीजें समझ रहे, और कंपनी में एक बार आपकी सैलरी रोक सकती है, बट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं रोक सकते। कॉन्ट्रैक्टर जो सैलरी डेट होता है वो 7 से 10 के बीच में ही होता है, 7 से 10 में पीरियड होता है, 7 से 10 के बीच में सैलरी आनी ही आनी है। एक बार कंपनी है तो चलो ठीक है, रोक दिया तो रोक दिया, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो कंपनी की जिम्मेदारी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने सैलरी नहीं दी और सैलरी रोकी तो कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानता, वो ये जानता है कि मैंने फला कंपनी में काम किया था, फला कॉन्ट्रैक्टर था, इससे कंपनी का नाम खराब होता है, ठीक है। और जब कंपनी का नाम खराब होगा तो भाई कैंडिडेट आएंगे नहीं। आपको पता है नोएडा में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे लोग काम नहीं करना चाहते, भाई साहब उस कंपनी के नाम सुन के पीछे भाग जाते, भैया मैं नहीं करूंगा इस कंपनी। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे लाखों लोगों की, हजारों लोगों की लाइन है, और कितने लोग सोचते हैं काम करने के लिए। सोचो कंपनी तो दोनों है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, रूल्स रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, ये फर्क पड़ता है। तो बड़े बड़े मेहरबानी, जो भी हमारे भाई हरियाणा साइड काम करना चाहते बवल हरियाणा में, स्क्रीन पर नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है और स्क्रीन पे मैंने दे दिया पूरा एड्रेस, आप वहाँ पे चले जाना, पहले कॉल करके जाना, किसी भी को भी किसी प्रकार के कोई भी पैसा कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। और बड़ा ही मेहरबानी, मैंने यूट्यूब पे एक नया चैनल क्रिएट किया इसरार रियल ब्लॉग के नाम से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो प्लीज़ लिंक पे क्लिक करके सर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब से उस पर ही सारी अपडेट आएगी, जो भी वीडियो की अपडेट होगी, नौकरी की अपडेट होगी, उस पर मैं लाया करूँगा। मिलते दोस्तों नए वीडियो में, नए नौकरी से, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।